हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जनरेशन टाइम क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि गेट लाइफ साइंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये। इसमें ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जनरेशन टाइम से पूछा ही जाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डबलिंग टाइम इन मिनट ऑफ ए बैक्टीरिया विद ए स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ 2.3 आस इनवर्स इन 500 ml ऑफ ग्रोथ मीडियम। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा गया है, डबलिंग टाइम जिसका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या है हमारा 2.3 आस इनवर्स। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा जनरेशन टाइम के ऊपर, तो आपको इजीली पता होगा कि जो हमारा जनरेशन टाइम है वो मिनट्स के अंदर पूछा जाता है, और जनरेशन टाइम से रिलेटेड जो हमारा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा जनरेशन टाइम इक्वल टू 0.693 अपॉन म्यू। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, जनरेशन टाइम जो कि किसमें निकालना है हमें, मिनट के अंदर। तो जनरेशन टाइम हम मिनट के अंदर निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.693 अपॉन 2.3 इंटू 60, यानी से मिनट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से इंटू कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा एट लास्ट, वो आएगा हमारा 18.07। दैट मीन्स दिस इज एन आवर जनरेशन टाइम। ओके, क्लियर। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि जनरेशन टाइम ऑफ एन बैक्टीरिया इज 20 मिनट, इन 12 आवर्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेल्स। यानी कि स्मॉल एन निकालने के लिए हमसे बोला गया है। तो जनरेशन टाइम का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको फर्स्ट वाली मेरी जो वीडियो है जनरेशन टाइम आपने देखा होगा तो आपको इजिली फॉर्मूले याद हो गए होंगे। तो जिसने नहीं देखा है वो फर्स्ट जनरेशन टाइम वाली वीडियो को जरूर देखिए और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो और ज़्यादा आने वाली है तो फायदा आपका ही होने वाला है। देख लो अब, तो जनरेशन टाइम हमारा होता है जनरेशन टाइम इक्वल टू टी अपॉन एन। ठीक है, और जनरेशन टाइम हमेशा मिनट में होता है। तो जैसे हम नंबर ऑफ सेल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ सेल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू क्या दे रखी, 12, लेकिन आवर्स में दे रखा है, तो दोनों को मिनट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से इंटू कर देंगे अपॉन जनरेशन टाइम की वैल्यू क्या है हमारी, 20। यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 12 3 36। ठीक है, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू क्या हुई, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि इनिशियल स्टेज ऑफ बैक्टीरिया इज 10 to the power 8, आफ्टर 3 आवर्स द बैक्टीरियम इज 10 to the power 12। तो कैलकुलेट दी जनरेशन टाइम, यानी कि इसके अंदर जनरेशन टाइम पूछा गया है। तो अगर आपको स्पेसिफिक फॉर्मूला पता है हमारा स्मॉल, पहले तो जनरेशन टाइम इक्वल टू क्या होता है ये देख लो, जनरेशन टाइम इक्वल टू होता है टी अपॉन एन। ठीक है, तो इसमें टी गिवन है लेकिन स्मॉल एन नहीं है, तो स्मॉल एन हम कहाँ से निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे स्मॉल एन निकालने का। स्मॉल एन इक्वल टू 3.3 लॉग एन अपॉन एन नॉट, जो कि कैपिटल एन है ये हमारी फाइनल वैल्यू और एन नॉट है हमारी इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू हमें क्या दी गई है, 10 to the power 12, और इनिशियल 10 to the power 8। तो जैसे ही हम इसमें 10 to the power 12, 3.3 लॉग 10 to the power 12 अपॉन 10 to the power 8 पुट ऑन करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3.3 इंटू लॉग 10 to the power 4। ठीक है, ये अब इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे हम ये देख लेते हैं। थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। तो सोल्व करने के लिए कैसे करेंगे इसको, स्मॉल एन की वैल्यू निकालने के लिए ये ऊपर देखते हैं अब। ठीक है, तो स्मॉल एन इक्वल टू होगा हमारा 3.3, जो हमारी 4 है ये लॉग, यानी कि जो हमारी 10 to the power n होती है, लॉग 10 to the power n, तो जो n आता है वो फ्रंट में आ जाता है। ठीक है,
इंटू फोर लॉग टेन, लॉग टेन की वैल्यू होती है हमारी वन, ठीक है। और 3.3 इंटू फोर कितना होगा, 13.2, ठीक है। 4 तिया 12 एंड 4 तिया 12 13, ठीक है। यानी कि 13.2 हमारी क्या हो गई, स्मॉल एन की वैल्यू। अब स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आई हमारी, 13.2। अब जनरेशन टाइम का फॉर्मूला रखेंगे, जी इज इक्वल टू टी अपॉन एन। टी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3 आवर्स। 3 आवर्स, आवर्स में दे रखा है, तो हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, मिनट के अंदर। तो मिनट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 × 60 अपॉन 13.2। तो आंसर क्या आएगा हमारा, इसको सॉल्व करके ये आएगा हमारा 13.6, ठीक है। आंसर क्या आएगा हमारा, 13.6, ये हमारा आंसर है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर भी हमें स्मॉल एन की वैल्यू दी गई है, जो कि 10⁴ है। कैप नहीं, इनिशियल वैल्यू हमारी 10⁴ दी गई है, फाइनल वैल्यू 10⁸ दी गई है, और टाइम कितना दिया गया है, 3⁴ आवर्स, और जनरेशन टाइम हमें निकालना है। तो ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो जनरेशन टाइम इक्वल टू टी अपॉन एन होता है, ठीक है। एन निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 3.3 लॉग एन अपॉन एन नॉट। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 13.2। अब हम जनरेशन टाइम निकाल लेंगे। जनरेशन टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जो 4 आवर्स है इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे हम, मिनट के अंदर, ठीक है। तो 4 × 60 अपॉन 13.2, ठीक है। तो अब इसे काट के जो हमारा आंसर आएगा वो फाइनली आंसर हमारा क्या होगा, इसको जरा 18.1, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा 18.1। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मेरा जनरेशन टाइम वाला लेसन, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, दोबारा फिर लगा दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, देख के बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, फ़ायदा आपका होने वाला है। आपके लिए ही वीडियोस बनाए जाते हैं, इतनी मेहनत की जाती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू टू ऑल।